भारतीय सिनेमा जगत के अभिनेता निर्देशक स्वर्गीय राज कपूर की पत्नी रिवम पलिबड़ी रिवा सुता कृष्णा राज कपूर का आज निधन हो गया, जिसकी जानकारी अभिनेत्री रवीना टंडन द्वारा ट्वीट कर दिया गया। प्रस्तुत है एक श्रद्धांजलि। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का नायाब हीरा, द ग्रेटेस्ट शोमैन, अजीमुशान शाहकार। पेशावर से ही एक और परिवार आया, मल्होत्रा परिवार, जो जबलपुर में आ बसा। पृथ्वीराज कपूर के हम उम्र करतार नाथ मल्होत्रा आईजी हुए रीवा राज्य के, और रीवा में एक बंगले में रहने लगे। दोनों परिवारों में आपस में रिश्तेदारी भी थी। तय हुआ कि पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे रणबीर राज कपूर का विवाह करतार नाथ मल्होत्रा की चौथी लड़की कृष्णा मल्होत्रा से होगा। राज कपूर ने कृष्णा को पहले देखा था सफेद साड़ी में एक हवाई जहाज में सफर करते हुए, और वो छवि उनके मन में बस गई। तभी तो उनकी हर फिल्म में उनकी नायिका कहीं न कहीं सफेद साड़ी में जरूर दिखी है। शादी के वक्त राज कपूर की उम्र 22 बरस की थी और कृष्णा की केवल 16। रीवा में बारात आई, पूरा नगर दुल्हन की तरह सज गया। करतारनाथ जी का बंगला नगर से गुजरने वाले राजमार्ग क्रमांक 7 के किनारे था। ये शादी मई माह में सन 1946 में हुई थी। शादी के वक्त राज कपूर की छवि एक उदीयमान प्रतिभाशाली अभिनेता की बन चुकी थी। तभी तो सिनेमा की एक पत्रिका फिल्म इंडिया ने अपने जून 1946 अंक में लिखा था, पृथ्वीराज कपूर के प्रतिभाशाली और संभावनाओं से भरपूर बेटे ने रीवा में मई दूसरे सप्ताह में कृष्णा मल्होत्रा से शादी करके अपने कैरियर का अंत कर लिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कृष्णा के कदम कपूर परिवार के घर में पड़ते ही जो भी हुआ शुभ हुआ। कृष्णा हर मामले में कपूर खानदान के अनुकूल और उनकी पारिवारिक परंपराओं को पालने में समर्थ साबित हुई। एक बार राज कपूर ने कहा था, क्या आप जानते हैं कालिदास ने एक आदर्श पत्नी की क्या व्याख्या की है? आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की दोस्त हो, दार्शनिक हो और हो मार्गदर्शक। आदर्श पत्नी वो है जो दुखी होने पर पति की मां बन जाए और बीमार होने पर नर्स। उन्होंने कहा, कृष्णा मेरे लिए ये सब थी। खेल में